नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 4 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 20 नकल को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे थीम आधारित उपस्थिति के माध्यम से क्रियान्वयन करना सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ नकल किसी भी कार्य को पूरी मेहनत और लगन के साथ करने पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि प्रातःकाल उपस्थिति दर्ज करते समय विद्यार्थी अपना नाम या रोल नंबर सुनकर पाठ में पढ़ाए गए किसी कंसेप्ट का पुनः अध्ययन करेंगे, जिससे उन्हें उस कंसेप्ट को लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलेगी। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि कुल 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से पढ़ाए गए कंसेप्ट क्रिया शब्दों को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करते हैं तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में शिक्षक को किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को क्रिया शब्दों का पुनः अध्ययन आसानी से हम करवा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे शिक्षक कक्षा में छात्रों को पहले ही बोल देते हैं कि कल प्रातःकाल उपस्थिति दर्ज करवाते समय अपना नाम या रोल नंबर सुनकर आपको यस सर या नो सर नहीं बोलना है। उसकी जगह आपको आज जो चैप्टर पढ़ाया गया नकल, उसमें प्रयुक्त हुए क्रिया शब्दों को बोलना है। और यह गतिविधि लास्ट स्टूडेंट तक चलेगी, तो आपको उस समय पर अनुशासन को बनाए रखना है। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे जब शिक्षक ने बोला रोल नंबर 1, तो पहला छात्र खड़ा होगा और बोलेगा देखा। इसी प्रकार जब बोला जाता है रोल नंबर 2, तो दूसरा छात्र खड़ा होगा और बोलेगा सुना। इस प्रकार से छात्र विभिन्न प्रकार की देखना, पढ़ना, लिखना, सुनना इत्यादि को दोहराते हैं। इस नवाचार को क्रियान्वित करने से छात्रों में क्रिया शब्दों का दोहरान कार्य आसानी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से छात्रों में कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे वे दूसरों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान से सुनते हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। यदि कोई बात समझ में न आ रही है तो वे प्रश्न भी पूछते हैं। वे भाषा की बारीकियों को ध्यान से सुनते हुए अपनी स्वयं की भाषा गढ़ते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में कई बातों को ध्यान में रखा गया है, जैसे प्रस्तुत पाठ को वर्ष के एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है, इस गतिविधि को आखिरी स्टूडेंट तक कंटिन्यू किया जाता है, सभी छात्रों को समान अवसर दिए जाते हैं, आवश्यकता पड़ने पर गतिविधि के अंदर सबकी सहभागिता बनाए रखने के लिए शिक्षक छात्रों से बीच बीच में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। जो PTR अनुपात होता है उसे ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भी इस नवाचार से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे गहन सोच, आत्मविश्वास, पारस्परिक संबंध, इन सब का विकास होता है और उनमें निहित मूल्य जैसे उत्तरदायित्व, विनम्रता, अच्छी आदतें अपनाना, सामाजिक स्वीकृति के अनुसार व्यवहार करना इत्यादि का विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा। आप भी इस चैप्टर को इस नवाचार के माध्यम से अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।